अविनाश गहलोत हैं। आज अविनाश जी रुद्राक्ष की माला पहन करके आए हैं, अलग गेटअप में हैं। अविनाश जी, क्या सरकार मांग नहीं सुन रही, इसलिए कोई विरोध के स्वरूप वैराग्य धारण कर रहे हैं, या मांग आज सदन में उठा रहे हैं, हालांकि आपका निलंबन हो चुका है, क्या स्थिति रहेगी आज? देखिए, सबसे पहले तो हमारा निलंबन सेकंड प्रायोरिटी पे है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि राजस्थान के जिन 16 लाख युवाओं ने रीट का एग्जाम दिया था, उनके साथ में जो पेपर चोरी के बाद में जो धोखा हुआ है, उसके लिए सरकार सीबीआई की जांच करे। हम लोग उनको दबाव में ले रहे हैं कि नहीं, आप सरकार सीबीआई की जांच करे ताकि उन युवाओं के साथ में अन्याय नहीं हो, न्याय। सरकार तो साफ कर चुकी है उसमें कि वो सीबीआई की जांच नहीं कराएगी। कटारिया जी कह रहे हैं कि वो सीबीआई की जांच की मांग पर अड़े रहेंगे। इससे पहले भी सरकार को बहुत अवसर पर झुकना पड़ा, और ये राजस्थान की को भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, राजस्थान के लाखों युवाओं का सवाल है, करोड़ों और ऐसे लोग हैं जिनका सवाल है। तो उनके सामने लोकतंत्र में ऐसा होता है कि जो जनता चाहती है वैसा निर्णय अगर हो जाए, इसी को लोकतंत्र के जीत कहा जाता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में राजस्थान सरकार को सीबीआई की जाँच देनी पड़ेगी। कल आप लोग विधानसभा का घेराव भी कर रहे हैं, अरुण सिंह जी आएंगे, तेजस्वी सूर्य आएंगे, तो क्या आप लोग की कोशिश रहेगी कि इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव तक जिंदा रखें अगर सरकार सीबीआई जांच नहीं कराती? मुझे लगता है कि सीबीआई जांच तो इसी करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में लोकतंत्र की जो बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ लोकतंत्र है, लोकतंत्र के आधार पर ही सरकारें चलती है, चुनती है। मुझे लगता है कल का जो घेराव है वो मुख्य रूप से इन बातों को लेकर है कि राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा हुआ, उस धोखे को आगे नहीं बढ़ा कि सीबीआई जांच करते, हमारी इतनी सी मांग है। जांच के बाद में जो मैं होना है कि क्या होगा तो वो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी सरकार डर क्यों रही है हमें तो इस बात के लिए? सरकार कह रही है कि दूसरे राज्यों में भी पर्चे लीक हुए, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर सीबीआई जांच नहीं दी गई, फिर राजस्थान में ही सीबीआई जांच की मांग क्यों की जा रही है, ऐसा सरकार का? ऐसा इसलिए हुआ कि राजस्थान के अंदर, ये मुझे लगता है हिंदुस्तान का पहला प्रदेश है जहां राजस्थान के अंदर राजनेताओं की भूमिका शामिल है। कहीं पेपर लीक हुआ होगा, वहां कुछ कर्मचारियों की गलती थी और उनको सजा भी मिली है, लेकिन यहां राजस्थान के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि बड़े बड़े जो मंत्री लेवल तक के अधिकारी हैं वो इस पेपर के अंदर शामिल, जैसा हमने सुनते आ रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं, सब मीडिया के अंदर भी यही चल रहा है। मुझे लगता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी की गांधीवादी छवि है, उनको लगता है अगर के नहीं जांच में कुछ नहीं है तो आप सीबीआई की जांच करवा दो, जांच के बाद में जो होना है वो हो जाएगा, परिणाम कौन बदलता है? ये जो दूध का दूध और पानी के पानी की मांग करें, इसमें किस बात आप करना लोगों के निलंबन बहाली के कोई आसार? अब देखते, अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार, हमारे विधायक दल ने कोई ये मांग रखी है वो निलंबन को रद्द करने की, मुझे नहीं लगता है, और हमें परवाह भी नहीं है निलंबन रद्द हो, हम तो ये चाहते हैं कि राजस्थान के युवाओं के साथ में न्याय। डेडलॉक कैसे टूटेगा, दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष? अब देखो, हमारा विधायक दल तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हम तो नेतृत्व को मानने वाले संगठन के व्यक्ति हैं, जो नेतृत्व तय करेगा वो मंजूर होगा।